बीजेपी के योगी जी जीरो टैलेंट्स पे चलते हैं, जीरो टैलेंट्स की राजनीति है। कौन कह रहा है? वो योगी जी कह रहे हैं, उतर के दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? बुलडोजर से लोग इसके घर पे कब चलेगा? चल रहे ना ताऊ प्रोसेसर, मतलब एक दिन में सब कुछ तो नहीं होता, एक दिन में ही होता है। जैसे सबूत देखेंगे। अरे मैं भी यही बता रहा हूँ, एक दिन में बुलडोजर चलता है योगी जी का। जिस तरह जिला पंचायत चुनाव में या कौन से जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, उसने मना कर दिया योगी के पक्ष में जाने से, तो उसकी 5 करोड़ की संपत्ति एक दिन में बुलडोजर चला दिया। तो अपराधी को तो चला ही रहे। क्यों वो? अच्छा, वहाँ इसकी जांच नहीं होनी थी कि वो अपराधी है या नहीं? जाँच करके चलाए होंगे एक दिन में, उससे पहले जाँच एक दिन में पहले से हो रही होगी एक दिन में ताऊ, उससे पहले हो रहे होगे ना उसके बाद एक दिन में। जब उसने ये मना कर दिया कि मैं बीजेपी के संबंध में नहीं आऊंगा, तुरंत बुलडोजर चल गया। पहले से हो रही होगी? नहीं, कोई जांच नहीं थी। और बाप 120 बी में मुलजिम है, वो भी जेल जाए, तो बाप और बेटा दोनों जेल जाए और आगरा की जेल जाए। अब ये कहा गया कि बाप अगर नहीं मिलता तो बेटा नहीं मिलता तो बाप को पकड़ा जाए। वो ये कहा गया था जब ये बार बार कह रहे थे कि बेटा मिल नहीं रहा है, नोटिस चस्पा है, तो उन्होंने ये कहा था जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है कि जब किसी अपराध में कोई परिवार का व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके माँ बाप को पकड़ के पुलिस ले जाती है, तो उन्होंने इसके संबंध में दिया था कि बाप को घसीट के मारो, बेटा अपने आप चला। हम लोग जो आंदोलन करेंगे वो इस मीडिया से पूछ के करेंगे, गोदी मीडिया से आंदोलन हम अपने आंदोलन के तरीके से करेंगे। क्या कभी इस मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है, क्या कभी इन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया है? किया इन्होंने सवाल कि किसान 700 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी, उस पर प्रधानमंत्री से कोई सवाल किया है? 11 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है, इस पे किसी गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री से सवाल किया है? सारे सवाल, सारे इल्जाम जो गोदी मीडिया लगा रहा है वो किसानों पे लगा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि बार बार किसानों को ही टारगेट कर रही मीडिया हो या सरकार हो? जी हाँ, किसानों को ही टारगेट किया जा रहा है और किसान इनको सॉफ्ट टारगेट दिखाई दे रहा है, इसलिए किसानों पे ही मीडिया भी और सरकार भी टारगेट किसानों को कर रही है। इनको ये नहीं पता कि ये वो किसान हैं कि ये किसी के टारगेट में आएगा नहीं, अपनी मर्जी से चलेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। तो विपक्ष आज कल पूरा आपके साथ दिखाई दे रहा है? हाँ, अब कुछ विपक्ष आया है मैदान में, अच्छी बात है, राजनेताओं को लड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी तो देश की जनता से ही वोट लेते हैं और देश की जनता की ये लड़ाई है, उनको लड़नी चाहिए, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए सबको। जिस तरह अखिलेश यादव अभी तक अपनी जिद पर अड़े हैं कि हाथ नहीं दिमाग को गिरफ्तार करो, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, हाथ आ रहे हैं। अब ये सरकार है, अहंकारी सरकार है, वो नहीं सुन रही तो ये जनता सुना देगी। मैंने देखा कितना अच्छा, वोट की चोट से जनता सुना देती है, इनका वाला फ्रेम कितना अच्छा है। क्योंकि अनपढ़ जब गद्दी पर होंगे, अहंकारी जब गद्दी पर होंगे, तो फिर जनता को ही हथियार उठाना पड़ता है वोट का। तो मीडिया हर पल की खबर दिखा रही मिश्रा की, उन्होंने कि रात को मच्छर काट रहे थे, उनको करबड़ नींद नहीं आ रही थी, करबड़ बदल रहे थे, नाश्ता नहीं ढंग से किया, वहीं किसानों की कोई खबर नहीं चल रही थी। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ को प्रभावित करेगा उसका भाव, क्योंकि गृह राज्य मंत्री है, या जेल के अंदर मीडिया गई थी कि उसको मच्छर काट रहे हैं, या उसको उसने नाश्ता नहीं किया, मीडिया को ये बात कैसे सूत्र पता सूत्र क्या अंदर के सूत्र होते हैं, क्या सूत्र होते हैं अंदर का, अंदर के कोई सूत्र नहीं, सूत्र था उसका बाप जो गृह राज्य मंत्री है, सब उसकी वो चल रही थी। किसानों का तो कुछ भी नहीं दिखाई, इस तरह का दिखाई देता है कि जैसे 11 महीने से आप लोगों ने कुछ क्या किया, क्या करें किसान को, ये सब लोग जो है दबाने के चक्कर में है, क्योंकि किसान से उनको पैसा नहीं मिलता, इसलिए वो इतना बाद निकाल रहे हैं। क्या लगता है कि महापंचायत को किस तरह से देख रही है जो महापंचायत? देखिए, ये महापंचायत जो है किसानों में और जागरूकता लाएगी, जो अभी जागरूकता कम है तो वो और बढ़ेगी। तो महापंचायत से टकराव की स्थिति नहीं बनेगी सरकार के साथ किसानों की? सरकार से क्या टकराव की? नहीं, अब महापंचायत करेंगे, वहाँ इतने किसान आएंगे लखनऊ में,
फिर वही कोई हादसा हो। देखिए अगर वहाँ कोई हादसा होगा जैसा अभी लखीमपुरी खीरी में हुआ, अगर वहाँ कोई हादसा, ये कानून व्यवस्था का काम किसका, सरकार का। हाँ। सरकार को अपनी कानून व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। उनके पास सारी चीज है, उनके पास खुफिया विभाग भी है, उनकी इंटेलिजेंस है, वो सारी रिपोर्ट दे रही होगी सरकार कि कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, ये सब उसका। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं अब तो अरेस्ट बेटा भी हो गया, किसानों को इंतजार करना चाहिए कि ऐसा ऐलान नहीं करना चाहिए कि अभी ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? जब योगी सरकार काम अच्छा कर रही है, अरेस्ट हो गया, FIR दर्ज हो गए तो क्या हुआ, और उनको पैसे भी मिल गए, तो मतलब अब कर रही है ना, आपको विश्वास करना रखना चाहिए। हाँ, किस पे, किस चीज़ पे विश्वास करें? योगी जी पे क्या विश्वास करें? सजा मिले दिन में गन्ने का पेमेंट आना था, एक साल हो गया, वो तो अलग मैटर है ना? अरे अलग मैटर क्या ये है? अभी जो वो भी तो सरकार का मैटर है, जब उन पे ये खड़े नहीं उतरे, ये करके दिखा रहे ना, तो इन पे क्या खड़े उतरेंगे? क्या अरेस्ट कर दिया मंत्री? कहाँ अरेस्ट कर दिया? अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता तो ये अरेस्ट भी नहीं होता। लेकिन ये आप मानते हो ना, लेकिन उनके पुलिस ने अरेस्ट किया ना? किसने किया अरेस्ट? उस्ताद करके। नहीं किया, वो अपने घर में लेटा रहा और पुलिस जाके उसके मोंडे पे चस्पा करती रही। वहाँ दिल्ली में कितनी CBI ने पूछताछ की, क्या कभी बताया मीडिया ने कि 7 बार चाहे गई 2 बार चाहे गई? लेकिन मीडिया वाले नहीं बताओ, मीडिया की गलती है ना, लेकिन वहाँ पे प्रोसीजर है ना, वहाँ मीडिया ने कैसे बता दिया? गिन रहे थे खड़े होकर। हाँ, चापलूसी, क्योंकि गृह राज्य मंत्री का बेटा था, किसने आदेश दिया कि जब कोई पूछताछ करती है तो वहाँ वकील भी होगा, उसके बाप का प्रतिनिधि भी होगा और विधायक भी होगा, तीन तीन। ये संविधान में कौन सा प्रोसीजर है कि एक अपराधी से पूछताछ करने के लिए 302 के अपराधी से? लेकिन योगी जी ने जो कहा करके दिखा दिया ना, अरेस्ट करवा दिया। अब तो योगी जी ने कहा, कहा था, कहा तो था योगी जी ने। कौन कह रहा योगी जी ने अरेस्ट किया? उन्होंने ये कहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के डंडे से डर करके। तो आरोपी तो उसका बाप भी है। बाप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना, वो योगी जी के हाथ में नहीं है ना। क्यों? और तो मोदी जी करेंगे उनका जो भी करना हो, तो मोदी जी से पूछ के करेगा ये सरकार? यहाँ भी उसकी BJP की, वहाँ भी जेल भेज दिया लड़की। उसका बाप कब जाएगा? वो तो मोदी योगी जी की हैसियत है, वो योगी जी की हैसियत नहीं है ना, वो तो मंत्री है, सेंट्रल में, सेंट्रल में मंत्री है, तो बस उनके हाथ में नहीं है ना। तो IPS अधिकारी भी उसी के अंडर में आते हैं, योगी जी के अंडर में नहीं रहते। स्टेट का IPS अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, गृह मंत्रालय के अंडर। SIT टीम जो जांच टीम है वो कह रही है कि हम खुश नहीं है गिरफ्तार होने के बाद। हाँ, मतलब उसके जवाब से। हाँ, सही कह रहे हैं। कैसे खुश हो जाएंगे? क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसका वो जवाब नहीं दे पाया, जो उन्होंने पूछा उसका सबूत नहीं दे पाया। अपराधी है वो भी जाएगा जेल, उसका बाप भी जाएगा जेल। ताऊ, जब देखते रहो, जब बेटे ने गलती की तो सजा उन्हें क्यों मिले? बेटे ने नहीं, बाप ने भी गलती की है, उसने धमकाया है सार्वजनिक रूप से कि 2 मिनट के अंदर लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ेगा। धमकाने की बात तो कही जाए तो आप भी तो जब देश का गृह, अरे योगी जी को कहते रहते हो, मोदी जी को कहते रहते हो, आम नागरिक है और वो देश का गृह राज्य मंत्री है, जब इतने संवैधानिक पद पे बैठ के जनता के साथ ऐसा आप भी सरकार को कौन सा संवैधानिक पद की आप वैल्यू कर रही हो? क्या आप संवैधानिक किसी भी पद की वैल्यू कर रहे हो? प्रधानमंत्री गाली देते हो, किसको गाली? कभी संबित पात्रा, गोबर पात्रा, कभी दाढ़ी वाला, कभी संवैधानिक पद पे प्रधानमंत्री तो है, कभी बोलते दाढ़ी वाला, दाढ़ी है तो दाढ़ी वाला, एक सम्मानित पद पे है वो, और आप ऐसे कहते हो कभी प्रधानमंत्री जी के। संवैधानिक पद की हमेशा गरिमा की गई है, प्रधानमंत्री पद की हमेशा गरिमा करी है, करेंगे, लेकिन मोदी की नहीं करेंगे। ताऊ, वो तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ पे मोदी जी को गाली पड़ रही है, कर रही है, हम क्यों किसानों को इज्जत करें या बात करें? वो आपको अन्नदाता नहीं मान रही। हमने BJP वालों से कब कहा कि तू हमारी इज्जत कर? हमारी लड़ाई अन्नदाता इसलिए नहीं मान रहे आपको। देखिए, हमारी लड़ाई इससे नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, और सरकार से तो हम लड़ेंगे जब तक जिएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं आपको अन्नदाता नहीं मानेंगे। मत मानो, हमने कद में कही तो हमें मान, हमने ही कद उसे प्रधानमंत्री मानना, तड़ी हमने उसे कद गृहमंत्री मानना। लेकिन ताऊ, ऐसी टकराव होगा तो बातचीत कैसे होगी, कानून कैसे वापस होगा? सरकार नहीं होगा, सरकार बदल जाएगी, मतलब आज नहीं तो कल। इसी के लिए तो आप है कि सरकार बदल जाएगी। अगर राजनीति है, सरकार के राजनीति कर रहे, पीछे पड़ गए, सरकार बदल जाएगी। हाँ, बदल देंगे, और क्या है, सीधे एक ही बात, सरकार बदल जाएगी। सरकार किसान की बात नहीं सुनेगी,
से बदल देंगे। क्या गारंटी अगली सरकार सुने? नहीं सुना कि उसे बदल देंगे। बस आप ना धरने में बैठे रहिए, सरकार बदलते रहिए। और क्या करेंगे? जो सरकार किसानों की नहीं सुनेगी, वो चाहे ये सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो, चाहे उससे आगे आने वाली सरकार हो, बस प्रदर्शन करते रहिए, सरकार बदलते रहिए। एजेंडा बना लिया है तो एजेंडा है हमारा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पूरा भरोसा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सरकार ये आपका भाषा है? भाषा क्या वो आपके लिए तो लड़ रही है क्या? आपकी बात कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, दो दिन से जेल में हैं। हमारे लिए तो सारे लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहा, सारे लड़ ये भी लड़ रहा, लेकिन राजनीति नहीं है ना? भी लड़ रहे हो, लेकिन राजनीति नहीं है ना? ये चुनाव नहीं लड़ते, ये चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव लड़ते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव को देखेंगे। तो आपके साथ खड़े हैं तो आप कल को ये चुन के ये भी ऐसे हो, अपने अधिकार चाहिए तो हमें तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। गद्दी पे जो चाहे वो बैठे।